नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नगर परिषद सिलवानी जिला रायसेन की अपील है, नगर में कोरोना से बचाव के लिए शासन के नियमों का पालन करते हुए निम्न बातों का ध्यान रखें। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क जरूर पहने, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें और एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखें। कृपया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत में सहयोग करें, कचरा डस्टबिन में ही डालें। निवेदक संघ मित्रा बौद्ध, प्रशासक SDM नगर परिषद अधिकारी सलवानी। राजेंद्र शर्मा, मुख्य नगर परिषद अधिकारी सलवानी। श्योपुर जिले के कुछ MPPSC के छात्र अपनी पढ़ाई को छोड़कर कोरोना वॉलेंटियर बनकर सामने आए हैं। वो जिला चिकित्सालय में लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से घर पर बैठकर ही हजारों कोरोना पीड़ित और अन्य बीमार व्यक्तियों का 24 घंटे मदद कर रहे हैं। उन्होंने श्योपुर जिले के साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा, ब्लड और निशुल्क भोजन व्यवस्था, कोरोना जागरूकता, कोरोना टीकाकरण जागरूकता किया और छात्रों के मिशन समर्पण की शुरुआत की। उन्होंने श्योपुर जिले के कई लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा। इसमें कई बड़े संगठन और कई पार्टियों के लोग आगे आए और कोरोना पीड़ितों की मदद लगातार कर रहे हैं। साथ ही बिहारी सिंह सोलंकी, नीरज जाट, अभिषेक मौर्य, दीपक मेहर, दिनेश साहू इनके साथ परिवार की तरह काम कर रहे हैं। कोरोना बीमारी में आप घर को छोड़कर यहाँ बराबर सेवाएं दे रहे हैं, आपके बराबर के स्टूडेंटों को क्या बताना चाहोगे आप? हमारे बराबर के स्टूडेंट हैं जो हमारे समस्त मध्य प्रदेश में ये वाली सेवा दे रहे हैं, जो कि एक जिला स्तर पर ना होकर एक प्रदेश स्तर पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम एक MPPSC के छात्र हैं जो हम इस परीक्षा को छोड़कर अभी हम अपने देश की जान बचा सके, ये हमारे लिए सबसे बड़ा गौरवान्वित होगा, क्योंकि हम जिंदगी लंबी नहीं जीना चाहते, कि हम जिंदगी महान जीना चाहते, जो हम खुद के लिए ना जीकर हम अपने देश के लिए जी जाए, ऐसा हम कुछ काम करना चाहते हैं। इसलिए हमारे देश में जो भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है या पीड़ित जान जा रही है, उन लोगों की हम जान बचा सके, यही हमारा एक दायित्व है जिसको हम अदा कर रहे हैं। और कोरोना जो हमारी टीम है, जो हमारी श्योपुर COVID-19 टीम चल रही है, उसमें हम लोग पूरा श्योपुर शहर उसमें जुड़ा हुआ है, बट हम लोग उसमें 15 से 20 लोग एक्टिव है, जो हम लोग अभी इसको हम अदा कर रहे हैं इस चीज़ को, जो हम इसमें ई काढ़ा है, ई ऑनलाइन मेडिसिन है, ये सारी हम फैसिलिटी दे रहे हैं, ताकि हम कोई जो व्यक्ति है, जो आम नागरिक जो मतलब फालतू अनावश्यक कार्य से बाहर ना जाए, हम उनको घर बैठे ही चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं। और मेरा कहना यही है कि सभी लोग घर में रहें, सावधानी पूर्वक रहें, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता जब तक आम नागरिक जागरूक नहीं होगा। आम नागरिक को जागरूक होना आवश्यक है। धन्यवाद। हमारे सरकार ये कहना था, जो हमें पढ़ा सकते दिन से हमें यह सीख मिली है कि जिंदगी चाहे भले ही 4 दिन की हो, लेकिन वो 4 दिन ऐसे जियो या उन 4 दिनों में ऐसा काम करो जो 400 साल की बराबर हो। आप क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं जिला चिकित्सालय में? जिला चिकित्सालय में हम लोग आज से हमारा ई हॉस्पिटल जो शुरू हो जाएगा, उसके अंतर्गत श्योपुर में जितने भी हॉस्पिटल है जो प्राइवेट भी है, तो उनके वार्डों के नंबर ताकि गाँव में से घर से पूछने के डॉक्टर साहब बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ताकि तमाम जानकारी में मिल जाए। और इसके साथ साथ ई मेडिकल घर बैठे ही डॉक्टर घर बैठे ही जो लोग वाक क्या करते हैं मेडिकल सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ साथ किसी को बाहर से दवाई वगैरह मंगवानी है तो वो भी काम कर रहे हैं। ई काढ़ा मतलब ऑनलाइन से काढ़ा पूछ लेंगे घर बैठे कि भैया काढ़ा वितरण कहाँ पर हो रहा है, वैक्सीन की जानकारी पूरी। और किसी भी मरीज को कोरोना हो जाता है या कोई पेशेंट ऐसा है तो उसके घर वालों से हम बात करते हैं, उन्हें मोटिवेट बनाए रखते हैं, उस पेशेंट से भी हम बात करते हैं ताकि मोटिवेट बनाए रखें। साथ साथ ब्लड डोनेशन का काम भी हम करवाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और रोज़ाना कहीं ना कहीं 10-20 लोगों का हम ब्लड डोनेशन करवाते हैं। और यहीं के साथ साथ हम पूरे मध्य प्रदेश की जो समस्या आती है हमें वो उसमें भी कार्य करते हैं। जैसे अभी शिवपुरी में ब्लड डोनेशन की बात आई थी परसों, तो वहाँ पर 4 दिन से नेगेटिव ब्लड की खोज की जा रही थी, मतलब वो नहीं मिला उनको डोनर, तो फिर हमने यहीं पर शुरू से ढूंढा डोनर और हम कार करके उसको ले गए और डोनर दिला के लाए। आपके संगठन के कितने लोग कार्य कर रहे हैं? जी हमारा संगठन पूरा श्योपुर परिवार है, इसके अंदर 400 से 500 लोग हमारे ग्रुप में है।
लेकिन उसमें जो कुछ एक्टिव मेंबर एक्टिव लोग कितने कार्य कर रहे हैं जिला चिकित्सालय में? 30 से 40 लोग जो एक्टिव है, उसमें से 10 से 12 लोग तो हम पीएससी स्टूडेंट है जो हमारी पढ़ाई छोड़कर इस कार्य में लगे हुए। हमने देखा कि कोरोना जैसी महामारी में एक तरफ लोग मर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार मर रहे हैं, मोहल्ले वाले मर रहे हैं, देश में मर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा ये ऐसी पढ़ाई किस काम की, अगले साल हम बन जाएंगे, कुछ बनना होगा तो, लेकिन इस साल तो हम सेवा करें, क्या पता अपन रहे या ना रहे, किसी की लोगों की जान करके ही जान बचा सके, तो इससे सब बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या है। ओके थैंक यू। तो चलिए हमारे साथ इस खबर में इतना ही, बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।